नमस्ते स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, बराबर है। इस लेक्चर में हम उस एक्सरसाइज को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने 14th क्वेश्चन तक किए थे, इस लेक्चर में हम 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन, यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। बेसिकली मिरर इक्वेशन अगर आपको कट है, इक्वेशन भी आपको कट होगा, बट जिनको कट नहीं है तो मैं बता दूं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f व्हिच प्रोड्यूसेस रियल इमेज बियॉन्ड 2f, ओके। ये सिर्फ आपको डायग्राम में एल्जेब्रिकली प्रॉपर्टीज जिसकी इमेज ऑब्टेन हो सके वो आपको बताएगा, और कुछ इसका कुछ खास काम नहीं है, बराबर है। आप सबको पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसमें हमें 1/v निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ये फॉर्मूला सब में कम होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है, f और 2f के बीच में, बराबर। तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, 1/2f 1/u 1/f हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 2f आपने इससे छोटा क्यों लिखा, बिकॉज f इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर, तो जितना बड़ा नंबर नेगेटिव वो छोटा वैल्यू हो जाएगी, इसलिए मैंने ये किया। फिर अब इन सबको माइनस दे देते हैं, माइनस देने के तो माइनस 1/2f वापिस साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस 1/u वापिस साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 1/f, ठीक है। अब तीनों साइड में 1/f से माइनस करता हूँ, तो 1/f माइनस 1/2f 1/f माइनस 1/u 1/f माइनस 1/f 1/f माइनस 1/2f ये क्या हो जाएगा, 1/2f 1/f माइनस 1/u इज 1/u 1/v और ये क्या हो जाएगा, 0, बराबर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि v जो है आपका हमेशा, This indicates that v is always less than 0, क्योंकि इसका reciprocal करोगे, इसका reciprocal तो क्या हो जाएगा, 2f v और 0 का उल्टा infinite, but ये तो practically possible नहीं है। तो इसको आप अगर solve करोगे तो इससे आपको ये जो चीज पता चल जाएगी कि भाई 1/v is less than 0, तो v is also less than 0, क्योंकि वन इन दोनों को सिर्फ चेक करो आप, बराबर। अब रही बात इन दोनों को चेक करोगे, 1/0 तो क्या हो जाएगा कि ये कब लेस देन जीरो होगा, जब v नेगेटिव होगा तब, तो v इज लेस देन जीरो। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, 1/2f इज लेस देन जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2f इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, बराबर। आप बोलोगे सर 2f इज ग्रेटर देन जीरो कैसे हो जाएगा, तो बेटा एक बात समझो कि twice the focal length, एक सिंपल सी बात समझनी है कि ये रियल इमेज बनाता है, बराबर है, रियल इमेज बनाता है। और एक काम कर लो, फिर सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, 2f is greater than v हो जाएगा, 2f is greater than v, तो हम सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं 2f is greater than mod v, बराबर है। Hence, क्या बोल सकते हैं, रियल इमेजेस ऑब्टेन। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सिर्फ ये बता दे रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता चला v इज लेस देन 0, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2f इज ग्रेटर देन v, तो मॉड्यूलस भी वो ले लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि मोड 2f इज ग्रेटर देन मोड v, मतलब वो क्या हो जाएगा, रियल इमेज। ये आपको क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ही है, बाकी एग्जाम में आने के इसके चांसेस काफी कम है, ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। अब बेटा उसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबको पता है कॉन्वेक्स जो मिरर है ये अपना, बस इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ये मैं जैसे वापिस आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखो नोट क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कि कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है बेटा, कन्वेक्स मिरर इज दिस प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ, सॉरी कन्वेक्स मिरर मतलब ऐसा, ठीक है।
अब हम इसका कुछ भी करो, इसका इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगा, इस साइड ही बनेगा। ओके, तो वो आप कुछ भी करके वो फॉर्मूला के थ्रू आप ट्राई करोगे, हमेशा उसका वर्चुअल इमेज ही बनेगा, वो हमको प्रूव करके बताना। तीसरा, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज। डिमिनिश्ड इन साइज मतलब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। An object placed between the pole and focus of a concave mirror produces a virtual and enlarged image. मतलब इसमें u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके f के बीच में, 0 से लेके f के बीच में नहीं होगी, f से लेके 0 के बीच में, बस सॉल्व करना ऐसे ही करना है। सो ये क्वेश्चन में मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, अब से सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो गए। A small pin fixed on a table top is viewed from about distance of 50 cm. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from same point through a 15 cm thick glass slab held parallel to the table? पहले table है, इस पे ये पिन है, 50 सेंटीमीटर ऊपर से हम यहाँ से देख रहे हैं उसको। अब उसकी जगह पर मान लो 15 सेंटीमीटर थिकनेस का हमने क्या रख दिया, ग्लास स्लैब रख दिया, तो ये पॉइंट हमें ऊपर दिखेगा या नीचे होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, ये पॉइंट हमें क्या दिखेगा, रेज्ड दिखेगा ना, रेज्ड ऐसे देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपको क्या दिखेगा, रेज्ड दिखेगा। तो आपको डी का फॉर्मूला पता है, डी इज वॉट, हाइट ऑफ द पॉइंट शिफ्टेड, हाइट ऑफ पिन शिफ्टेड, d is equal to formula उसका real thickness of slab minus real thickness of slab upon refractive index। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हाइट, हाइट उसकी वो क्या बोलते हैं, रेज हो जाएगी, हाइट रेज हो जाएगी, तो उसका हमने एक फॉर्मूला भी देखा था। अपरेंट हाइट और उस वाला बराबर है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये रियल थिकनेस को टी मानेंगे, टी बाय एन, तो d इज इक्वल टू t कॉमन निकालेंगे 1 माइनस 1 बाय n, t कितनी है थिकनेस 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 बाय 1.5, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 15, 1.5 माइनस 1 0.5 बाय 1.5, तो ये हो जाएगा 1 बाय 3, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये मेथड 1, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला सीधा याद रख लें, ठीक है। मेथड 2, हमें पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, सो एन इज इक्वल टू कितना है, एन इज इक्वल टू हमें पता है 1.5, रियल डेप्थ कितनी है 15, अपरेंट डेप्थ हमें पता नहीं है, अपरेंट डेप्थ कोई हमें फाइंड करनी है डेप्थ, सो डेप्थ का फॉर्मूला आएगा 10 सेंटीमीटर, सॉल्व करोगे तो देयरफॉर शिफ्ट ऑफ पिन, पिन एक्चुअली है कहाँ पे, 15 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर नहीं, वो ग्लास की थिकनेस, हाँ 15 सेंटीमीटर माइनस डेप्थ उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब वो कितनी शिफ्ट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। 15 सेंटीमीटर मतलब क्या है, ये ओरिजिनल थिकनेस ऑफ स्लैब, ये उसकी डेप्थ इतनी है इतनी, बट उसमें डेप्थ इतनी है, मतलब वो पिन कितनी ऊपर आ गई, शिफ्ट कितनी हुई 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई ना ऊपर, बराबर 15 सेंटीमीटर का आपने क्या डाला, ग्लास स्लैब डाला, 10 सेंटीमीटर में उसकी डेप्थ होगी अपर एंड डेप्थ, तो बचा क्या 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब ऐसा है कि ये टेबल है, यहाँ पे पॉइंट है, ये आपकी आंखें हैं, ग्लास स्लैब को इधर रखो या इधर रखो या इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा उसमें जो शिफ्ट आएगा पिन का वो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर का ही आएगा। डन, आगे बढ़े, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
figure shows the cross section of a light pipe made up of a glass fiber of refractive index 1.68. The outer covering of the pipe is made up of material 1.44. मतलब U1 is equal to 1.44. Inside वाला 1.68. ठीक है. What is the range of the angle of the incident rays with the axis of the pipe for which the total internal reflection inside the pipe takes place? कितना angle होना चाहिए कि भाई total internal reflection होना चाहिए? N का formula होता है 1/sin IC. सबसे पहले तो आपको साइन आई सी फाइंड करना है, बराबर है? ठीक है. अब उस साइन आई सी का मैं साइन आई सी डैश नाम देता हूँ. एंड मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू. वन विद रिस्पेक्ट टू टू मतलब क्या होगा? एन टू बाय एन वन. वन बाय साइन आई सी डैश. ठीक है. आउटर कवरिंग होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा छोटा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनसाइड विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड. सो एन टू कितना है? 1.68 अपॉन 1.44 अपॉन 1. साइन आई सी डैश. बेटा ये पता चला ना, एन मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? टू विद रिस्पेक्ट टू वन. अब क्लियर हुआ? तो एन टू बाय एन वन. 1.68 बाय 1.44 कितना आएगा? कितना आएगा 1.68 बाय 1.44? तो साइन आई सी डैश उसको उल्टा कर देते हैं. 1.44 बाय 1.68 साइन आई सी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.8571. 60 डिग्री पे होता है 0. तो आई सी डैश कितना हो जाएगा? 59 डिग्री. चेक कर लेते हैं. लास्ट टाइम भी मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया था, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको प्रूव करके बताता हूँ. आप बोले सर हमें तो थोड़ी पता चलेगा, क्वेश्चन दिया जाएगा आपको. ठीक है, टेंशन मत लीजिए. साइन 0.85 आ गया सर. वन आ गया, क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? बराबर है. इसको थोड़ी देर रख देते हैं, आई सी डैश की वैल्यू मिली. अब दूसरी बात कि देखो, हमें बताया गया कि आई डैश उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई डैश इज ग्रेटर देन आई डैश सी, then total internal reflection takes place. therefore उसका मतलब क्या हुआ? हमारा आई डैश है वो 59 डिग्री से बड़ा होना चाहिए. ओके okay? ठीक है. और यहाँ पे जो आर मिलेगा, ये तो 90 है हमारे पास, ये 90 है ना, ये मिला 59 डिग्री 90, तो ये आर क्या होना चाहिए? तो therefore आर इज इक्वल टू 90 माइनस 59 डिग्री 41 डिग्री. तो 59 डिग्री पे रिफ्रैक्शन कितना हुआ? 31 डिग्री. हाँ, 31 डिग्री रिफ्रैक्शन हो गया, बराबर. अब स्नेल्स लॉ की बात करते हैं. हमें फाइंड क्या करना है? आप बोलो सर क्या फाइंड करना है वो तो बताओ, कुछ भी लिखे जा रहे हो. रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे मतलब हमें आई फाइंड करना है. तो आर मिलेगा उस हिसाब से हमें आई मिल पाएगा ना. देखो आई डैश से हमें, देखो पहले आई डैश फाइंड किया, आई डैश से हमने आर फाइंड किया, आर फाइंड किया तो स्नेल्स लॉ से आई फाइंड करेंगे. तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम क्या फाइंड करेंगे? साइन आई मैक्सिमम अपॉन साइन आर मैक्सिमम इज इक्वल टू एन. अब एन किसकी बात चल रही है? यहाँ पे तो आपका एर है और ये आपका 1.68 वाला है. तो क्या आएगा? 1.68 आएगा ना. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? साइन I maximum upon sin R maximum is equal to 1.68. So therefore sin I maximum is equal to 1.68 into sin R maximum हमारा कितना था? Sin R maximum कितना हो सकता है? Sin 31 degree. So sin I maximum is equal to 1.68 into 0.15510.
मल्टीप्लाई करोगे तो 8662। देयरफॉर आई मैक्सिमम हमारा कितना है 60 डिग्री। समझे बेटा क्या चल रहा है इधर? देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने आई डैश फाइंड किया। आई डैश कैसे फाइंड करेंगे कि क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा पे फेंका तो हमें क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड किया, देखो क्रिटिकल एंगल फाइंड किया तो आई डैश थी मिला, मतलब इससे ज्यादा ही होना चाहिए। आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन आई डैश थी। तो आई डैश कम से कम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है आई डैश थी, तो उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा ये आर मैक्स ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 31 डिग्री। बाकी तो देखो आई डैश बढ़ जाएगा 60 हुआ तो ये 30 हो जाएगा, 61 तो ये 29 उसी हिसाब से, तो उससे मुझे आई मैक्स मिल जाएगा। देखो आई मैक्स मिल गया, आई मैक्स में हमें कितना मिला 60 डिग्री। तो देयरफॉर रेज जो है शुड एंटर एट 0 डिग्री टू 60 डिग्री फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उसमें, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। अगर आउटर कवरिंग होता ही नहीं तो उसका बी पार्ट, इफ आउटर कवरिंग वाज नॉट देयर तो साइन आई डैश से कितना होगा म्यू वन बाय म्यू टू एन वन बाय एन टू बराबर है। एन वन तो वन ही है आपको पता ही है और एन टू है 1.68, तो साइन आई सी डैश कितना हो जाएगा 0.5962 और ये कितना होता पता है 36.5 डिग्री। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 36.5 डिग्री, आर भी कितना होगा 36.5 कैसे, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि आउटर कवरिंग है ही नहीं। मान लो आउटर कवरिंग नहीं है ना तो जितना आई होगा उतना ही हमारा आर हो जाएगा, तो ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हमारा आउटर कवरिंग नहीं है तो आई और आर की वैल्यू सेम हो जाएगी। यहां से हो जाएगी, देखो आई डैश सी 36.5 डिग्री हुआ, समझाता हूँ कहाँ से ही आया, मुझे लगा आप समझ जाओगे बट नहीं समझे, फिर से ओके। तो आर कितना होगा हमारा, आर होगा 90 - 36.5 डिग्री कितना हो जाएगा 53.5 डिग्री। देखो एक बात समझो, आई आपका क्या होना चाहिए, I must be greater than IC dash। तो मतलब जो आपका I dash है greater than क्या होना चाहिए IC dash, तो इससे 36.5 degree से greater होना चाहिए। 36.5 degree से greater है, 36.5 degree से greater है, तो इस केस में आपका R कितना हो जाएगा 90 - 36.5। जैसा मैंने बात कर ली ना बेटा, ये देखो 36.5 से ये सब बढ़ता ही जाएगा तो बाकी तो आर हमेशा कम होता जाएगा, क्योंकि 36.5 वो क्रिटिकल एंगल है, उससे ज्यादा आप जितना भेजते जाओगे उस हिसाब से आई डैश चेंज होता जाएगा, आई की वैल्यू उस हिसाब से। ये कितना आंसर है 53.5 डिग्री। ठीक है, अब आर की वैल्यू 53.5 डिग्री आएगी बराबर है, तो आप चेक कर लो बेटा कितने भी आप वैल्यूज पुट करोगे, कितनी भी वैल्यूज आप पुट कर लोगे आर की वैल्यू 53.5 डिग्री आएगी, तो आप आई की कोई भी वैल्यू पुट करो पर आई डैश मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी डैश बराबर है, जीरो से बीच में 90 डिग्री के आप बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा होगा और होगा ही, क्योंकि आउटर कवरिंग है ही नहीं, कोई भी एंगल पे फेंको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। Because of what? Because of its refractive index. ठीक है? Next question. ये सारे theory based question है. You must have learned that plane and convex mirror produces virtual image of objects. Can they produce real image under some circumstances? Explain. तो पहले का answer. In the situation when rays are convergent behind the mirror,
Both plane mirror and convex mirror can perform a real image of virtual object. For example, telescope. याद आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऐसा ही किया था, रेज भेज रहे थे तो आगे बनेगा रियल इमेज, किसको बोलते हैं आगे बनेगा। अगर आपने ऐसे इमेज भेजी तो और डाइवर्ज हो जाएगी, बट ऐसे भेजी बराबर है तो मिलेगी तो कहाँ पे, फोकस पे, सॉरी वो मिलेगी जहां पे मिलेगी, बट उससे पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो जहां पे मिलेगी वो क्या होगा, एग्जैक्टली उसके सामने आ जाएगी। ठीक है, सो यस दे प्रोड्यूस बट इन दिस केस। दूसरा, a virtual image we always say cannot be caught on a screen, yet when we see a virtual image we are obviously bringing it on the screen, that is the retina of our eye, is there a contradiction? अब देखो, हमारी आंख है ना वो अलग चीज है, आंख पे बनने की, आंख पे वो eliminate हो रही है। The retina is working as a screen where the rays are converging, but this screen is not at the position formed of virtual image. In fact, the reflected divergent ray are converged by the lens at retina. सबसे पहले उसको रेटिना पे कन्वर्ज होते हैं तो उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, उससे पहले भी एक आई लेंस आती है इसलिए, ओके, तो कोई कंट्राडिक्शन यहाँ पे नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, अ रिवर अंडर वाटर लुक्स ऑब्लिकली एट अ फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ लेक, वुड द फिशरमैन लुक taller or shorter to the diver than what he actually is? देखो, आप क्या कर रहे हो, डाइवर अंदर है, मतलब डेंसर से रह रहे देख रहे हो, डेंसर से रह रहे देख रहे हो, मतलब वो क्या करेगा, उसको वो टॉलर दिखेगा, क्या होगा टॉलर। अगर आप उल्टा करते, दैट इज रेरर टू डेंसर जाते, तो वो क्या दिखता, शॉर्टर दिखता। क्लियर हो गया, बट इस केस में क्या दिखेगा, टॉलर दिखेगा। नेक्स्ट, does the apparent depth of a tank of water change if viewed obliquely? Obliquely मतलब ऊपर से देख रहे हैं। If so, does the apparent depth increase or decrease? अगर हाँ तो क्यों? तो पहली बात, apparent depth decreases if viewed obliquely as compared to the to when observed and when normally. Normally मतलब obliquely मतलब ऐसे देखना, exact ऊपर से देखना। अगर side से देख रहे हो तो उसका height क्या होता जाएगा, change होता जाएगा। क्यों? Because rays के हिसाब से वो उसका एंगल के हिसाब से क्या होगा, उसका रेस का जो एलिवेशन है वो उस हिसाब से चेंज होता जाएगा, इसलिए अपरेंट डेप्थ डिक्रीज होगा इफ व्यूड ऑब्लिकली। ऊपर से देखोगे तो आपको डिक्रीज होगा, कॉइन देख लेना ना, ऊपर से देखोगे तो ऐसा हो जाएगा, साइड से देखोगे तो चेंज हो जाएगा। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास, इज दिस फैक्ट ऑफ सम यूज टू डायमंड कटर? हाँ, इसलिए स्किल डायमंड कटर है वो उस हिसाब से, उसके पास एंगल काफी ज्यादा रहेगा, रेंज 24 to 90 degree की रेंज रहेगी, कि उसके बीच में कोई भी लाइट इंसिडेंट हुई तो वो उसमें टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, और डायमंड में लाइट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो और वो हमारे आंखों तक आए। ठीक है, इसलिए ज्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ज्यादा लाइट बाहर निकलेगी। ठीक है, तो वो रेंज ज्यादा मिल रही है उस हिसाब से ही वो डायमंड कट रहे हैं, उस एंगल पे कट करते हैं ताकि लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो सके। डन, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम इज टू बी on a 3 meter away from the large convex lens, what is the maximum possible focal length of the lens required? देखो बेटा, एक चीज याद रख लेना, the minimum distance between object and image, question तो पता चला ना, the image of small electric bulb fixed on the wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by the means of large convex lens, what is the maximum possible focal length? ek bulb hai wall mein, uska 3 meter dur image banana hai beech mein convex lens, theek hai, to hame kya find karna, focal length kya honi chahiye? okay, so minimum distance between object and image is kitna hota hai, 4f, kyun 4f, ye lens 2f 2f
अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे है, वरना क्या होगा, ये दूर होगा तो इस साइड होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस 4f होना चाहिए, बाकी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी बढ़ सकता है, वो कोई टेंशन नहीं है, बट समझ में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है 4f। तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारा इमेज कहाँ पे ऑब्टेन करना है, 3 मीटर बॉल में, v इज इक्वल टू 3 मीटर हुआ, u इज इक्वल टू क्या लेंगे, 4f लेंगे। अब एक बात समझिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फोर एफ क्या होना चाहिए टू गेट रियल इमेज ऑन द वॉल। अब देखो वॉल के और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3m, और हमने अभी देखा कि भाई उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये देखो अगर मान लो यहाँ पे हम बल्ब रख रहे हैं, ये हमारा वॉल है, तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ये और ये इक्वल होंगे, तभी तो हो पाएगा, मतलब v कितना हो जाएगा 3 मीटर और u कितना है 4f, therefore f की वैल्यू 3/4, तो कितना है 0.75 मीटर, दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो बन पाएगा ना, रियल और इमेज, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर हो गया, फॉर्मूला याद रख लेना ना कि भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबको क्या करना है, ये करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्मड बाय कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, बराबर है, और उसके बीच में दो कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे, एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पे, इसको मैं L1 नाम देता हूँ, इसको L2 नाम देता हूँ। यहाँ पे आपके क्या स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये इमेज यहाँ पे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी x है, ऐसा मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 90 सेंटीमीटर, x प्लस 20 प्लस x इज इक्वल टू 90, सो 2x इज इक्वल टू 70, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। अब फॉर लेंस L1 x क्या होगा उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसकी हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, u उसका क्या हो जाएगा, फॉर लेंस L1 u इज इक्वल टू -35 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ पे बन रही है 55 सेंटीमीटर पे बनेगी ना, क्यों 55 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 20 है और ये 35 है, तो x प्लस 20 हो जाएगा, दैट इज 55 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/55 माइनस 1/u इज -35, सो 1/f इज इक्वल टू 1/55 प्लस 1/35, 1/f इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 385, 7 + 11, 1/f इज इक्वल टू 18/385, therefore f is equal to 385/18, आंसर आएगा 21.4 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये दोनों को आपने सेम क्यों लिया, बराबर है। देखो एक बार समझ लो कि अगर आप इन दोनों को सेम नहीं लेते तो यहाँ पे इमेज नहीं बनता, इसलिए मैंने इन दोनों को x सेम लिया, अगर आप नहीं लेते तो पक्का इमेज नहीं बनता। जितना ऑब्जेक्ट डिस्ट, मतलब ये हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि भाई अगर ये डिस्टेंस ज्यादा और ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लर्ड इमेज बनेगा,
और ये डिस्टेंस कम ये डिस्टेंस ज्यादा तो भी ब्लड बनेगा। तो डिस्टेंस सेम बनाने के इमेज बनने के लिए इस दोनों डिस्टेंस को हमें क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक और मेथड है, मेथड टू एमसीक्यू मेथड है। सपोज एमसीक्यू मैं आपको तो डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाय 4d, ये कहां से आया वो हमें इसको लेना देना नहीं है। डी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन लेंस। आप ट्राई करोगे तो इससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंस इन एक्सरसाइज 9.10 इफ दे आर प्लेस 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट। इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम यूजफुल? सबसे पहला तो अब चेक करो द F1 उसमें कितना है, 30 सेंटीमीटर है। F2 कितना है, -20 सेंटीमीटर है। और D कितना है, 8 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और एक्सरसाइज 9.10 आपके सामने बुक खुली होगी, टेक्स्ट बुक, या आपने लिखा होगा, तो चेक करो बेटा उसमें क्या दिया हुआ है 9.10 में। नोटिस फोकल लेंथ और कन्वेक्स लेंथ, फोकल लेंथ दोनों का दिया हुआ। ठीक है, सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इफ पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन फर्स्ट लेंस इन एब्सेंस ऑफ सेकंड लेंस, मान लो एक ही लेंस है, हमें तो क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच का सेपरेशन है इसलिए। ओके, हाँ कहाँ पे थे, तो U1 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। F1 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इससे आप सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। अब ये जो V1 है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, देखो मतलब ये पहली लेंस, लेंस वन, यहाँ पे लेंस वन है, ये लेंस टू। ठीक है, अब इनफाइनाइट पे फोकस, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इधर 30 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, तो लेंस और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। ये रफली मैंने आपको बनाया, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, therefore this image will work as virtual object for second lens, virtual object ही होगा ना lens के पीछे। तो u का formula कितना होगा, 30 - 8, 22 सेंटीमीटर, बराबर है। F2 कितना है हमारे पास दिया हुआ, -20 सेंटीमीटर। UE कितना है, 22 सेंटीमीटर है। Therefore V2 फाइंड करो, सॉल्व करोगे तो -220 सेंटीमीटर है। बराबर, V2 कितना है, -220 सेंटीमीटर आएगा। अब V2 -220 सेंटीमीटर आएगा, मतलब माइनस इसके रिस्पेक्ट में क्या, फिर इसके रिस्पेक्ट में क्या, ये लेंस वन, ये लेंस टू। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर था, 22 सेंटीमीटर था। अब क्या होगा, V2 कहाँ पे बनेगा, V2 -220 सेंटीमीटर बना। -220 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर हो गया। -220 सेंटीमीटर मतलब इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे होगा, इसी साइड 220 सेंटीमीटर ऐसा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पहले पहले लेंस 2 की तरफ से आ रहा है, केस 2, इफ L1 या L2 या इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आएगा
तो यू वन तो आपको पता है इनफाइनिटी हो जाएगा, एफ वन पहले क्या लेना पड़ेगा, -20 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो वी वन की वैल्यू आ रही है -20 सेंटीमीटर। अब -20 सेंटीमीटर है, -20 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हो, इस साइड ही, इस साइड ही। अब वैसे भी दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, सो दिस इमेज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर एल टू। तो उसकी यू ई कितनी हो जाएगी, 8 + 22, बट इस साइड है तो इसलिए -22 कहाँ से, 28, तो -28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एफ टू आपको पता है कितनी है, +30 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्विंग तो वी टू की वैल्यू आ रही है -40, 420 सेंटीमीटर। तो दोनों केस में अलग है, तो हियर बोथ केस एज वी डिफरेंट, हेंस इफेक्टिव फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट कांट बी यूज। डन। अब उसके दूसरा पार्ट, एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इन अरेंजमेंट ए अबव, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है, उसका बी पार्ट। तो देखो, फॉर कन्वेक्स लेंस ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट है टेक्स्ट बुक में इसलिए कर लेना है। U इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, -40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ, सबकी वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। देयर फॉर सॉल्व करके आप V की वैल्यू कितनी निकालोगे, 120 सेंटीमीटर है। देयर फॉर मैग्निफिकेशन कितना आएगा, V बाय मोड U, 120/40 इज इक्वल टू 3। अब बोलोगे सर मोड क्यों, तो कन्वेक्स लेंस है ना बेटा। ओके, एम हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये जो इमेज है वो किसकी तरह काम करेगी, दिस इमेज इज वर्चुअल फॉर लेंस टू, बराबर। सो अब यू टू आपका क्या होगा, 120 सेंटीमीटर दूर था, उसमें से 8 माइनस कर दो तो 112 सेंटीमीटर आएगा। एफ टू कितना, -20 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो वी टू कितना आएगा, -24.9 सेंटीमीटर। फॉर एम टू कितना आएगा, -V mod V2/U2। वी टू कितना है, 24.9, 112, 0.217। देयरफॉर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 into m2, 3 into 0.217 कितना आ जाएगा, 0.651। एम का फॉर्मूला क्या है, एच डैश बाय एच, हमें एच डैश फाइंड करना है, तो एच इंटू एम, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में 1.5 इंटू 0.651, तो वो ऑब्जेक्ट आपको कितना दिखेगा, 0.98 सेंटीमीटर का दिखेगा। करना क्या है पता है, दो लेंस अलग अलग है, L1 और L2, दोनों के बीच का डिफरेंस है, तब उसमें क्या चेंज आएगा और उसका मैग्निफिकेशन और वो सारी चीजें हमें दी हुई है, तो वही फाइंड करना था। क्लियर हो गया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल शुड रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिंग एंगल 60 डिग्री, सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, बराबर। साइन आई सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n, देयरफॉर साइन आई सी 1/n कितना दिया, 1.524। साइन आई सी इक्वल टू कितना होगा, 0.6542। अगर सॉल्व करोगे तो आई सी की वैल्यू आएगी 41 डिग्री। अब होता है R1 + R2 इज इक्वल टू ए होता है, ओके, ए दिया हुआ 60 डिग्री, ए दिया हुआ 60 डिग्री। और अगर आप चेक करोगे प्रिज्म वाले क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे जा रहा है ऐसे होगा और ऐसे हो जाएगा,
ये ए है, ये हमारा आई है, ये आई है, बराबर है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे और इसको एक्सटेंड करोगे, ये हमारा हो जाएगा आर वन और ये हमारा हो जाएगा आर टू। अब आर टू होगा वही हमारा क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, तभी तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, जस्ट सफर टोटल इंटरनल, आर टू है वो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, अगर उससे बढ़ गया तो पॉसिबल नहीं है। तो आर वन, आर टू की जगह पे क्या डालेंगे, 41 डिग्री, और ए कितना है 60 डिग्री, तो आर वन की वैल्यू कितनी है 19 डिग्री। स्नेल्स लॉ डाल दो, स्नेल्स लॉ क्या होगा, एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर वन, एन कितना है 1.524, साइन आई हमें फाइंड करना है, साइन आर वन कितना होगा 19 डिग्री, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई कितनी, साइन 19 कितना होता है 0.3256, साइन आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0.4962, तो देयरफॉर आई की वैल्यू आएगी आपकी 29.75 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, ठीक है, डन। ओके सो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 38 तक क्वेश्चंस हैं, बड़ी सी इतनी बड़ी एक्सरसाइज भगवान क्यों बनाते हैं पता ही नहीं चलता। ओके ऐसा होगा तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे छोड़ दें, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।